ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। आचार्यवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। देखिए, भविष्य को अवश्य जानने का प्रयास करना चाहिए कि भविष्य में क्या कुछ छुपा है हमारे लिए। भविष्य का समय बड़ा विचित्र होता है। भविष्य जब भी आपको दिखाई देता है अंधकार में कई बार, लेकिन यदि आप सही समय पर सही कार्य कर लें तो भविष्य उज्ज्वल हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है, क्योंकि भविष्य से तो सभी अनभिज्ञ हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम भविष्य को समझ सकते हैं कि क्या कुछ हमारे साथ होने के योग हैं। तो कन्या राशि वालों, 21 से लेकर करीब करीब 31 तारीख के समय के लिए ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का बन रहा है वो आपको जान लेना चाहिए। ग्रह योग आपके लिए इस वक्त बड़े विचित्र प्रकार के योग बनाने वाले हैं, और इन खास 11 दिनों में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे योग भी बनने वाले हैं, बहुत बनने वाले हैं। उसमें तो आप कर्म कर अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्ति के योग बना सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो 21 तारीख की सबसे पहले तो उस दिन अमावस्या है, और उस दिन अमावस्या के निमित्त जो है वो विशेष तौर पर आपको अपने पूर्वजों का पूजन करना चाहिए, पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए। चंद्रमा जो है थोड़े शीर्ण है, सुबह सुबह स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, थोड़ा इमोशंस डाउन हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही 12 बजेंगे चंद्रमा परिवर्तन करके आपके मीन राशि में आएंगे, एकदम आपका इमोशंस बदल जाएंगे, गजकेसरी योग बन जाएगा आपकी कुंडली में। व्यापार में उन्नति के योग दिखाई देते हैं, विशेष तौर पर केवल अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए काम करें, क्योंकि सूर्य वहां पर साथ में विद्यमान है। यदि उसको इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आप काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से धन लाभ की स्थिति चंद्रमा बहुत बढ़िया तरीके से बनाने जा रहे हैं बृहस्पति के साथ बैठकर। तो ये दो दिन आपके लिए बड़े सुंदर योग बनने वाले हैं। नववर्ष का आरंभ हो रहा है सुंदर योग में। जो चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से देखें तो गजकेसरी योग में जो 22 तारीख को नववर्ष आरंभ होगा, नवरात्र आरंभ होंगे, बड़े सुंदर योग में आ रहे हैं। भगवती का पदार्पण नौका पे हो रहा है, और ऐसे में भगवती का अवश्य पूजन करने का प्रयास करें। आपके मन में नव उत्साह, नव उमंगों के साथ उदय होगा, पूर्वाभास भी होता दिखाई दे रहा है, काम करने में अच्छा मन लग सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आप काम करने का प्रयास करना चाहिए। केवल बुध अस्त हैं उसके निमित्त उस दिन बुधवार के दिन विशेष तौर पर श्री गणेश का स्तवन अवश्य कीजिएगा, गणेश जी का पूजन कीजिएगा, गाय गौ सेवा कीजिएगा, गाय पालक डाल दीजिएगा। आपके लिए ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी बन सकती है। ग्रहों की स्थिति देखते हुए ग्रहों का योगा योग आपके लिए विशेष तौर पर नववर्ष में अच्छे उन्नति के योग बनाते दिखाई दे रहा है। शुभ मुहूर्त आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से ग्रहों की स्थिति आगे चलती रहेगी। नवरात्र के शुभारंभ में आप अवश्य कलश स्थापना का जो समय है वो 12 बजे से पहले पहले का समय बड़ा शुभ है, तो उसका दोपहर से पहले पहले लाभ लेते हुए घर में स्थापना करके माँ भगवती का पूजन आरंभ करें, कल्याण के योग बनेंगे। 23 मार्च की बात करें तो उस दिन चंद्रमा का परिवर्तन होगा। चंद्रमा मेष राशि में जाएंगे करीब करीब 2:11 पर, और ये थोड़ा सा आपके लिए कष्ट में हो सकता है समय, लेकिन शाम को एक बड़ा सुंदर योग बन रहा है। उस समय चंद्र दर्शन कर लीजिएगा, और चंद्र दर्शन करके अपने माता पिता का आशीर्वाद दे लीजिएगा, गौ पूजन कीजिएगा, देखिएगा आने वाले कष्टों को आप बहुत बढ़िया तरीके से दूर कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान फिर भी रखने का प्रयास कीजिएगा। साथ साथ क्योंकि शनि महाराज आपके लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से जो चल रहे हैं और छठे भाव में चल रहे हैं, तो वो आपको कष्ट में दे सकते हैं, आपके शत्रुओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको ठीक करने के लिए नवरात्र बहुत सुंदर उपयोग है। तो उनमें खास प्रयोग है वो आपको हम बताएंगे, उस प्रकार से आप कर लाभ ले सकते हैं। तो ग्रहों का परिवर्तन जो होगा विशेष तौर पर 25 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा वृषभ राशि में जो प्रवेश करेंगे वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएंगे। चंद्रमा का वृषभ राशि में प्रवेश भाग्योदय कारक होगा, और विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अद्भुत योग बना सकता है, बड़े लोगों से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, धर्म के दृष्टिकोण से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जितने धर्मरत रहेंगे उतने कल्याणकारी योग बनेंगे। तो ऐसे में तो आपको विशेष तौर पर केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और एक काम कर लीजिए, जो भी भोजन करें सबसे पहला ग्रास निकालकर कौवे को एक ग्रास डाल दीजिएगा, ये बड़ा सुंदर उपाय है। सुबह सुबह इसको करके आप अपने कार्य को आरंभ करें, उससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। वृषभ राशि में चंद्रमा जिस प्रकार से रहेंगे 25 तारीख को 26 और 27 में वहीं पर रहने वाले हैं, और धर्म के द्वारा आपको बड़ा लाभ प्राप्ति हो सकते हैं। जो भी काम कर रहे हैं एक बात का ध्यान रखिएगा, धर्म क्या कहता है, सही चीज़ में जन कल्याण के लिए है कि नहीं है, सबके लिए कल्याण करने वाला है कि नहीं है, इस भाव को रखते हुए काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के संकेत मिल सकते हैं। और एक बात का, 28 तारीख को इसी प्रकार चंद्रमा प्रवेश करते करते आगे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 28 तारीख को सुबह 4:28 पर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और मिथुन राशि में प्रवेश करते ही एक बात का ध्यान रखिएगा, आप थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं। दशम भाव में जब चंद्रमा की स्थिति बनेगी तो उसमें केवल अपना अपना स्वांता सुखाय की तरफ मनोवृत्ति ज्यादा हो सकती है। तो स्वांता सुखाय केवल इस बात को समझें कि ठीक होना चाहिए एक लेवल तक, लेकिन बहुत ज्यादा अपना अपना करने से कई बार जो अच्छे मित्र होते हैं वो भी छूट जाते हैं,
वो भी आपको कहने लगते हैं कि ये तो केवल अपनी अपनी बातें करेगा, तो इस प्रकार की भावना आपके मन में नहीं आनी चाहिए, वो आपके लिए अननेसेसरी परेशानी उत्पन्न कर सकती है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगा योग साफ दिखा रहा है। उस दिन सप्तमी भी है, तो महासप्तमी के दिन विशेष तौर पर भगवती कालरात्रि का पूजन करना चाहिए। शहद का दान करने से कष्ट दूर हो सकते हैं। और इसी प्रकार से 30 यानी 29 तारीख का समय भी ऐसे इसी प्रकार से ग्रहों का योगा योग दिखाई देता है, इसी श्रृंखला में काम होने के योग बन पाएंगे। यदि 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख का समय बड़ा शुभ है। 30 तारीख को महानवमी भी है और महा विशेष तौर पर रामनवमी का पर्व भी पड़ रहा है, और आपके चंद्रमा की स्थिति भी कर्क राशि में जा रही है, तो चंद्रमा कर्क राशि में लाभ की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। और शाम को 4:28 पर चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वो कई उन्नति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, उसकी लाभ की स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है। केवल एक बात का ध्यान रखते हुए काम करने की ज़रूरत है कि बड़े लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करें। जो बड़े लोग हैं, जो नैरो माइंडेड व्यक्ति है, वो आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए बड़े व्यक्ति से साथ के साथ संपर्क साधने का प्रयास कीजिए, वहाँ से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। कन्या पूजन विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसे में कन्या पूजन के निमित्त कम से कम 5 कन्याओं का पूजन आप अवश्य करें, और उनको उनके चरण धोएं, उनको पूजन कर उनको मीठा खिलाएं, कुछ दान दक्षिणा इत्यादि करें, तो आपके और ज़्यादा लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। देखिए 31 तारीख को विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। बृहस्पति अस्त होकर आने वाले 20-25 दिनों में कुछ कष्ट देने के योग बना सकते हैं, आपकी लाभ की स्थिति को कम कर सकते हैं, और आपको खास तौर पर इसका उपाय पहले से कर लेना चाहिए। वैसे तो हम अलग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इस बात समझें कि नवरात्र पहले आए हैं बृहस्पति के अस्त होने से पहले, तो ये शुभ योग बना रहे हैं, तो ऐसे में अपने कष्टों को आने वाले समय बृहस्पति के कारण से जो कष्ट होगा उससे उसको दूर करने के लिए विशेष तौर पर माँ भगवती की आराधना कर लें, ये समस्त कष्टों को दूर करने का अवसर है। हमने भी इस सुंदर अवसर पर आश्रम पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ रखा है माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में, और बड़ा सुंदर यज्ञ रहेगा आश्रम में, आप उसमें भाग ले सकते हैं। आप स्वयं आकर उस यज्ञ में भाग लें, कल्याणकारी योग बनेंगे। जो लोग बहुत दूर हैं और यदि वो चाहें तो उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए सुंदर ब्राह्मणों की व्यवस्था है, वो आपके निमित्त आहुतियाँ प्रदान कर सकते हैं यज्ञ में। उसके लिए नीचे नंबर्स जो हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको सारी व्यवस्था की जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।